दोस्तों, मैं हमेशा से ही ये प्रयास करता हूँ कि मैं आपके लिए हर वो रेलवे से जुड़ी खबर लाऊं, ताकि इससे आपकी यात्रा थोड़ी आरामदायक हो जाए। तो उसी कड़ी में मैंने एक और नया बात ढूंढी है। तो दोस्तों, अक्सर आप लोग ट्रेन से सफ़र करते ही होंगे और रेलवे आपकी सुगम यात्रा के लिए काफ़ी प्रयास भी करता है, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि आप भूलवश या मतलब गलती से या फिर जल्दबाजी में आप अपना सामान ट्रेन में ही छोड़ देते हैं और ट्रेन से उतर जाते हैं। लेकिन अक्सर देखने को ये मिलता है कि यात्री ऐसी स्थिति में कुछ खास कार्रवाई नहीं करते हैं और छूटे गए सामान को छोड़ ही देते हैं। लेकिन अगर आप इसकी सही समय पर शिकायत कर दें दोस्तों, तो शायद आपको ये सामान मिल भी सकता है। जी हाँ दोस्तों, ऐसे में आज हम आपको बता रहे हैं कि ट्रेन में सामान छूटने की स्थिति में आपको क्या करना चाहिए। दोस्तों, साथ ही मैं आपको ये भी बताऊंगा कि अगर रेलवे को आपका सामान मिल जाए और आप इसे वापस नहीं लेते हैं तो रेलवे इसका क्या करता है। तो दोस्तों, आइए जानते हैं आपके गुम सामान को कैसे तो हासिल दोस्तों किया जा आइए सकता जानते हैं कि है अगर और ट्रेन इस में बैग सामान का छूट क्या जाए तो क्या होता है। करना होगा। दोस्तों, अगर ट्रेन में बैग छूट जाए तो आप उसी स्टेशन पर रेल अधिकारियों के साथ IPF पुलिस को इसकी सूचना दें और आप RPF में इसकी FIR भी दर्ज करवा सकते हैं। ऐसे में रेलवे और पुलिस की जिम्मेदारी बनती है कि वो आपके सामान को ढूंढने का प्रयास करें, और अगर आपका सामान आपकी बताई गई सीट पर मिल जाता है तो उस निकटतम RPF थाने में जमा करवा दिया जाता है। कई स्थिति में यह सामान शिकायत किए जाने वाले स्टेशन तक भी पहुंचा दिया जाता है। इसके बाद यात्री को अपनी उचित जानकारी देकर और अपने दस्तावेज दिखाकर इसे वापस हासिल कर सकते हैं। कई स्टेशन पर उनके घर पर सामान पहुंचाने की व्यवस्था भी की जा रही है। ऐसे में आपके सामान वापस मिलने की उम्मीद काफ़ी ज़्यादा रहती है। तो दोस्तों, अब बात आती है कि आखिर रेलवे, अगर हम उस सामान को नहीं लेते हैं तो रेलवे उस सामान का क्या करता है। तो दोस्तों, जब ट्रेन में आपका सामान छूट जाता है तो उसे स्टेशन पर जमा करवा दिया जाता है, और अगर कोई रेलवे कर्मचारी या कोई यात्री स्टेशन पर किसी का सामान करवाता है तो उसे स्टेशन मास्टर जमा कर लेता है। और इसके बाद हर सामान के आधार पर प्रक्रिया की जाती है। अगर इस सामान में कोई ज्वेलरी आदि है तो इसे 24 घंटे ही रेलवे स्टेशन पर रखा जाता है। अगर 24 घंटे में कोई सामान पर क्लेम करता है तो उसे दे दिया जाता है, वरना इस सामान को अगले जोनल ऑफिस में भेज दिया जाता है। हालांकि अन्य सामान में 3 महीनों का टाइम होता है। रेलवे अधिकारी इसे 3 महीने तक अपने पास ही रखते हैं और उसके बाद उसे आगे भेज दिया जाता है। कई सामानों को बेचने को लेकर भी नियम है, हालांकि उसकी प्रक्रिया काफ़ी बड़ी होती है। वैसे हर सामान के आधार पर अलग नियम बनाए गए हैं और उन नियमों के हिसाब से आपके सामान का मतलब निपटारा किया जाता है। तो दोस्तों, आज के वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो इसे लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।